हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल वुड बी फाइन। आज है 19 अगस्त, आज है जन्माष्टमी। मेरी तरफ से जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। और अभी है आफ्टरनून का टाइम, आज अभी खाना बनाना है। खाने में मैं आज लेट हो गई, तो अभी बना रही थी मैगी। बच्चों को लगी थी भूख, मैंने कहा चलो मैगी बना लेती हूँ, अभी जल्दी हो जाएगा। आज बालों में मैंने कर्ड लगाया है, ऑयली हो रखे हैं बाल बहुत ज़्यादा, तो अभी बन रही है मैगी। बस अभी बच्चों को दूंगी मैगी, उसके बाद खाने की तैयारी भी करनी है। बस अभी बच्चों को दी थी मैगी, उसके बाद मैंने खाया खाना। खाने में आज मैंने बूंदी की सब्जी बनाई थी, मेरी फेवरेट है, मुझे पसंद है। तो पलक नहीं खाती है बूंदी की सब्जी, उसको नहीं अच्छी लगती, बट मुझे बहुत पसंद है। तो आज मैंने बहुत काम किया, आज सोफ़ा वगैरह वॉश किया, इसके ऊपर एक्चुअली मुझे चढ़ाने थे कवर। कवर पहले भी चढ़ाए हुए थे, जब गर्मी का सीज़न आता है ना फिर मैं उतार देती हूँ। तो बस आज इसको वॉश किया है अच्छे से, तो आज मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर कवर बिछाऊँ। कवर एक्चुअली ना काफ़ी दिन हो गए थे, सोच रही थी मैंने बिछाने को, लेकिन बिछा नहीं पा रही थी क्योंकि ना इसको वॉश करना था पहले। मुझे ऐसे बिछाने का मन नहीं था, मैंने कहा पहले वॉश करूँगी उसके बाद ही बिछाऊँगी। तो आज मैंने सोफे को भी वॉश किया है, और भी जो छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं वो भी किए हैं, सारे मैट वगैरह वॉश किए हैं, बहुत काम किए हैं आज। तो अभी मैं सोच रही थी आज जन्माष्टमी है, कुछ मीठा बना लूँ। देखते हैं, चलते हैं किचन में, क्या बनाती हूँ मैं। ये है बूंदी की सब्जी, ये ये बच रही थी एक कटोरी, तो इसको अभी मैं ढक के रख दूंगी, ये मेरे खाने के काम ही आएगी, मैं खाऊंगी इसको। अभी मैंने लिया है काजू, आलमंड्स और सियोटी, ये सब मैंने ना अंदाजे से ही लिया है। अभी बनाई है मैंने चाशनी, इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है, मतलब 1.5 गिलास आप ले सकते हो। उसमें मैंने 250 ग्राम चीनी डाली है। बस अभी इसकी चाशनी बन रही है। बस अभी ये चाशनी हो गई है रेडी, ये देखो ये जैसे ना तार सी बनती है ना लगातार, थोड़ी सी जैसे थीक होनी शुरू हो जाए ना, थीक हो गई है चाशनी, तो समझो रेडी हो गई है। तो ये चाशनी हो गई है रेडी। अब इसमें मैं सारा मिक्स करूंगी ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैं डालूंगी ये वाला जो ड्राई फ्रूट मैंने कट के रखा है, पीस के रखा है इसको, और साथ में ये नारियल का बुरादा। और ये सियोटी जो इसको हमने फ्राई करके रखा है। बस अब इसको ना अच्छे से मिक्स कर देना, अच्छे से। मैंने ड्राई फ्रूट्स को पहले फ्राई कर लिया था। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया था आलमंड्स लिए थे, काजू लिए थे, सेवड़ी ली थी और मखाने लिए थे। मखाने मैंने 1/2 kg से भी थोड़े से ज़्यादा ही थे, ज़्यादा मखाने ज़्यादा लिए थे। तो बस इसको ना फ्राई करके उसके बाद इसको दरदरा पीसा है मैंने, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनाया और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा, मतलब मिड में जैसे थोड़ा सा दरदरा होता है ना ऐसे इसको पीसा है। उसके बाद फिर इसको चाशनी में ऐड किया है। और इस मिक्सचर को ना अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें उड़ा लूंगी। इसको ना इससे फैला लेना है,
अब इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ना, जैसे कुछ घंटों के लिए। बर्फी हो रही है रेडी। इसी के साथ व्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड, मिलूंगी नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।